हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी बात मोहम्मद जुबैर की लीक्ड वीडियोस पर करते हैं। उनकी जो रिसेंटली लीक्ड वीडियोस कल से रिलीज़ हुई हैं, बेसिकली वो लीक नहीं है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और इस सारे मामले पर, क्योंकि वो एक इतने मतलब ऑनरेबल इंसान है और PML के एक लीडर भी हैं, इट्स वेरी वेरी साउंड बैकग्राउंड एज वेल। उन्होंने IBM में काम किया, वो इज़ अ फाइनेंशियल एनालिसिस्ट वगैरह, वो भी उनके एक्सपीरियंस में आता है। और अगर आपको नहीं पता, वो असद उमर के बड़े भाई भी हैं, तो ही इज़ देयर वेरी, उनके वालिद साहब जो हैं वो ही इज़ एक्चुअली रिटायर्ड जनरल इन आर्मी। तो हाउ कैन यू नो समबडी विद दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन, और जो PML के वो स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो वो इस तरह का एक रिस्पॉन्सिबल काम किस तरह कर सकते हैं? और क्या ये जो है वो वीडियोज जो है वो फेक हैं, या जो जिस तरह उन्होंने दावा किया है? तो अभी तक जो उन्होंने ट्वीट की हैं, उसमें सिर्फ एक ट्वीट उन्होंने की है कि ये फेक है और ये डॉक्ट्राइन है, और इसमें और जिन्होंने भी ये काम किया है तो ये बेसिकली एक बड़ा मतलब एक फजूल सा बुरना सा काम किया है। लेकिन इसके अलावा उनकी कोई टॉक नहीं आई, उनके खिलाफ उनकी जो कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं आई इस तरह की कि वाकई जिस पे यकीन किया जा सके कि नहीं, कि वाकई जो है ये जो वीडियोज़ हैं ये फेक हैं। इसके अलावा जो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी थोड़ी बहुत, जो एनालिसिस है हमारे मंसूर अली खान की देखी हो, तो उनकी तरफ से भी अगर चाहिए इज़ वेरी न्यूट्रल जर्नलिस्ट, लेकिन उनकी उनको भी उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने स्ट्रांगली डिनाई किया, लेकिन आई डोंट थिंक दैट ही रियली हैज़ कम आउट रियली येट कि उसको डिनाई करें। और इसके अलावा जफर नकवी साहब, उनकी भी मैंने देखी है, ही इज़ आल्सो वेरी यू नो प्रो PML, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने डिनाई किया, लेकिन बहरहाल उसकी कोई खास जो है स्ट्रांग उनकी वो स्टेटमेंट नहीं आई, सिर्फ एक ट्वीट आया, दैट्स इट। तो पहली बात तो ये करनी थी कि पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि जो स्कैंडल्स हैं, अभी जो वीडियोज़ हैं वो लीक्ड होना शुरू हो गए हैं, और ये जो लीक वीडियोज़ मेरे ख्याल में आई थिंक खुदा करे कि ये झूठे हों और किसी की रिपुटेशन जो है वो ख़राब ना हो, लेकिन अपेरेंटली जिस तरह नज़र आ रहा है तो ये एक्चुअली रियल वीडियोज़ हैं। और ये जो दूसरी बात है ना, इसमें ये लीक वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली उनकी सर्वेलेंस हुई है, और उनको जो बड़े लोग होते हैं ना, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं जो और हैंड्स होते हैं बासर, उनको जब पता लग जाता है कि यार ये बंदा जो है में ये खामी है ये चीज़ें, तो वो लोग बंदे लगा लेते हैं, और फिर वो जो है उनकी सर्वेलेंस और उनको वो उनको जो मवाद चाहिए होता है वो ले लेते हैं। तो इस केस में बेसिकली ये मैट नंबर ऑफ वुमेन, और ये जो जिस शख्स ने ये रिलीज़ की है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लीक वीडियो नहीं है, इज़ एक्चुअली अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट 3 मिनट्स लॉन्ग, जिसमें वो सारी वो स्टोरी उसकी सुनाता है कि उसने जो है अवारी होटल में और गवर्नर हाउस में और फार्म हाउसेस में सर लड़कियों के साथ वीडियोस बनाई, और फिर उसमें एक दो बंदों का इंटरव्यूज भी उन्होंने शामिल किया हुआ है कि एक जो है वज़ीरिस्तान से है कि ये इस बंदे ने मुझे धोखे दिए और मुझसे पैसे लिए हैं, और फिर इसमें एक औरत की भी एक इंटरव्यू है थोड़ा सा कि मोहम्मद जुबैर ने मुझे नौकरी का चांस वगैरह दिया है। तो इसमें जो औरतों की जो पिक्चर्स हैं ना वो ब्लर्ड हैं और फेसेस हैं वो ब्लर्ड हैं, और सिर्फ उनको दिखाया गया है, और उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो दिखाए नहीं गए हैं। तो एटलीस्ट इतनी डिसेंसी इसमें है कि उन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई, लेकिन ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री इज़ अ प्रॉपर एफर्ट टू सबोटाज दिस मैन। तो इट्स नॉट लाइक यू नो ही मेड सम वीडियोज। अच्छा, तीसरी जो इसमें बात है कि इसमें जो आप पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कैमरे लगे हुए ना वो ऐसी जगहों पे लगे हुए जिससे पता लगता है कि ये किसी ने लगाए हैं और उनको पता नहीं है। तो एक शॉट में वो नज़र आता है कि वो बिल्कुल कैमरे में नज़र देख रहा होता है, तो हाउ कुड ही एक्चुअली बी सो नाइव कि वो अपनी ही वीडियो बना रहा होता है उसमें। फिर अगर डिलीट बंदा कर लेता है, अगर फॉर एग्जाम्पल बना भी लिया है, तो अगर आप यू आर सच अ इंपॉर्टेंट पर्सन, सो वाई एक्चुअली यू लीव दैट वीडियोज, और ये लीक किस तरह होगी ना, अगर आपकी फ़ोन है या आपका सामान है तो फिर तो लीक होने का कोई कोई चांस नहीं है। तो ये एक कैमरा जो है वो उस तरह लगा हुआ था कि बिल्कुल उनके जो बेड के सामने लगा हुआ था, तो दे वर जस्ट लुकिंग एट द होल बेड, और फिर एक दूसरा जो कैमरा लगा हुआ था उसके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन भी थी, तो उससे लग रहा था कि ये जो है वो सर्वेलेंस की हुई है। और उनकी जो कैमरा की जो फुटेजेस भी है ना, वो इट्स नॉट लाइक अ वेरी सुप्रीम क्वालिटी और जस्ट ऑर्डिनरी क्वालिटी जिस तरह की जो स्पाई कैम होते हैं, तो उस तरह की है। तो ये लीक वीडियो नहीं है, ये पूरी तरह सबोटाज किया गया है इनको, और उसको मेरे ख्याल में दिस शुड बी अंडर साइबर क्राइम एक्ट, क्योंकि किसी की भी आप रिपुटेशन इस तरह डैमेज नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस बात पे भी बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये चीज़ जो है एक्चुअली हम इस मौजू पे बात कभी करते नहीं हैं, और फॉर सम रीज़न यू नो वी डोंट टच दीज सब्जेक्ट्स, लेकिन ये पाकिस्तान में ये चीज़ है, और एक्चुअली ये बड़े बड़े शख्सियात हैं, उन सारों के वीडियोज़ हैं, हमारे जो चेयरमैन नैब हैं उनके तो
आखिर में सबको पता है कि उनके हैं। इवन इमरान खान के मुतालिक भी कहा जाता है, आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनीथिंग अगेंस्ट इमरान खान, आई एम नॉट सेइंग कि इज अ बैड गाय, लेकिन ये इन लोगों ने बनाई होती है और फिर किसी की आदत लग जाती है, देन दे आर ब्लैकमेल एकदम। अगर आपको इसका यकीन नहीं आता तो आप जो जज अरशद मलिक हैं जो अभी मतलब ही पास्ट अवे ना, लेकिन जिन्होंने नवाज शरीफ का फैसला सुनाया था, उनको ISI हमारी जो ISI है वो उनके पास गई और उनको कहा कि भाई हमारे पास ये आपकी वीडियो लग गई, और वो उनकी 20 साल पुरानी वीडियो थी जो कि उनको दिखाई गई, और फिर वो मजबूर हो गए। जारी बात है, अगर आपको आपकी कोई नाकाबिल इतराज जो है वीडियो दिखाए, फिर आपको यू नो कहे कि यार आपने ये काम करना है तो आप करेंगे, और तो मेरे ख्याल में उनकी बात रही है कि उनकी जो बेटी है वो उनके साथ खड़ी हो गई और उनको कहा कि आप फिक्र ना करें, और हर किसी से गलती होती है, और फिर यू नो उनको ही वॉज वेरी डिप्रेस, तो फिर उनको हौसला बढ़ा और फिर यू नो ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बाद जो है आई थिंक वो कहते हैं ना कि उनको हटाया गया, तो ही डाइड आई थिंक बिकॉज ऑफ कोरोना, बट यू नो हु नोज। अच्छा, इस चीज़ को हमारी जो अदलिया है ये चीज़ जो है ये उनकी अटेंशन में भी लाई गई, ये बात कि उनको जो है ये वीडियोज़ दिखाई गई और तभी उनसे ये फैसले लिए गए, नवाज शरीफ को जो उनको नायल किया गया था, लेकिन उन पर कोई उन पर हमारी अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, डिपेंड्स हु हाउ मच पावरफुल यू आर। तो अगर लोग जो हैं आर्मी से डरते हैं, आर्मी जो ऊपर बैठी होती है वो जो कहती है कि आपने ये करना है तो वो जज साहब ने वो करना होता है। तो इस वीडियो इस ये जो पूरा स्कैंडल है इस वेरी वेरी शर्मनाक, और उसमें इसका एक जो बैकग्राउंड ये भी है कि मरियम नवाज के पास न्यूज़ है, और बाद में फिर सच भी साबित हो जाती है कि उनके पास एक्सप्लोसिव वीडियोज़ आई हुई हैं। आई थिंक देर से कि भाई कोई चेकी वीडियोज़ हैं जिसमें कन्फेशंस हैं, जिसमें काबिल एतराज़ वीडियोज भी हैं, वो चीज़ें भी हैं। तो दिस आई बिलीव इज जस्ट केम आउट टू यू नो काउंटरैक्ट दोज वीडियोज की भाई हमने ये रिलीज़ कर दी और ये किसी और ने रिलीज़ नहीं की, ये हमारी ISI ने ही रिलीज़ किया है। ये इसमें भी आप इसमें वो ना आपको होगा ना कि ये किस कौन कर सकता है, किसी के पास टाइम नहीं होता कि या गवर्नर साहब हैं या कोई वो है उनके वो सर्वेलेंस करें, किसी की जरूरत ही नहीं हो सकती। हमारे पास एक इदारा है ISI जिनका सिर्फ यही काम है लोगों को ब्लैकमेल करना, जो हमारे चेयरमैन नैब है वो टोटली ही इज़ ब्लैकमेल, ही इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन, एंड उनकी जो वीडियोज़ हैं वो आपने कुछ तो देखी होंगी। अच्छा, ये वीडियो है अगर आपने देखनी है, और मैं आई रियली डोंट वॉन्ट टू डैमेज समबडी रेपुटेशन, लेकिन ये इसकी जो वीडियो है अवेलेबल bagi.tv.com पर, तो चेक करें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। और इसमें एक बात मैं कहूँगा कि ज़ुबैर उमर साहब की कोई गलती नहीं है, हर किसी से गलतियाँ हो जाती हैं, और अगर कोई आपकी सर्वेलेंस करे तो इसमें आपकी क्या गलती है, और कोई भी वो नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की वो होती हैं। लेकिन ये हालात पाकिस्तान में इतने आ गए हैं कि ये जो है इनकी जो भाई हैं असद उमर, ही इज़ द यू नो द टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन PTI, अगर वो PTI खुदा ना खासा छोड़ दें तो PTI का बेड़ा ही शायद गर्क हो जाए, लेकिन दैट्स हाउ बैड थिंग्स आर, क्योंकि और इससे पता लगता है कि हुकूमत जो है कितनी ट्रबल में है। तो इट्स इज़ यू नो दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट यू एक्चुअली हैव, यू आप कभी भी ये पता नहीं कराते कि भाई हमारे पास ये वीडियो हमने रिलीज़ की, तो उन्होंने रिलीज़ भी कर दी बिकॉज इट्स शोज़ फ्रस्ट्रेशन, एंड दिस ऑल्सो शोज़ के नवाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ के पास शी हैज़ रियली एक्सप्लोसिव वीडियोज़ एंड वन दे विल कम आउट इट विल यू नो चेंज एवरीथिंग। लेकिन एक बात जो आप लोगों से करनी है कि भाई खुदा के लिए थोड़ी सी समझ पैदा करें, और ये कोई भी जो है यहाँ पे खुदा नहीं, कोई भी फरिश्ता नहीं है, कोई भी पैगंबर नहीं, सबसे गलतियाँ होती हैं, और ये पाकिस्तान इसी तरह चलता है कि आप जो है आपके पास वीडियो आ गई और आपको किसी को आप ब्लैकमेल करते हैं। और इसकी मैंने ये भी सुना था कि जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे फारूक लखारी साहब, तो उनको ISI ने इसलिए ब्लैकमेल किया, एक्चुअली उनके पास अच्छा उनको ब्लैकमेल करना था ISI ने, तो उनके पास कोई मौत नहीं था भाई क्या उसको किस तरह ब्लैकमेल करें, तो फिर उनको कहा कि भाई आपकी बेटी है या बेटा है और इसके इस तरह के साथ जो है वो तस्वीरें हैं और ये हैं और इसके साथ ताल्लुकात हैं, तो इस तरह उनको ब्लैकमेल किया। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ISI ने हमारे ISI ने ये ब्लैकमेल किया था। तो ये आप जान लें कि ये हमारे पास एक इदारा है जो कि कानून से बाहर आता है, उसकी कोई टच नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल में हमें बेसियत है पाकिस्तानी बेसियत है अवाम एक कामन मैन इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो
काम है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए ऐसा ही, कोई तो छोड़े किसी को भी नहीं करना चाहिए, और इसका कोई भी नहीं हल नहीं है, ये इसका कुछ भी नहीं होगा। यानी अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं ना, और आप कहते हैं कि ना ये रियासत मदीना है, तो अब तो इमरान खान रियासत मदीना के बड़े हैं, तो वो तो उनको तो चाहिए कि एक्शन लें कि भाई ये इनके खिलाफ जो है ये हो गया, या तो जुबैर उमर के खिलाफ एक्शन लें, या फिर जिन्होंने ये लीक करवाई उनके खिलाफ। कुछ भी नहीं होगा, जिस तरह जो हमारे साथियों को गोलियां लगी उनका कुछ पता नहीं लगा, कोई अफवाह हो गया उनका कुछ पता नहीं लगा, सीसीटीवी फुटेज उससे कुछ पता नहीं लगा, हमारे जो डस्कर के इलेक्शन से 20 के जो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं लगा, इसका भी कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि आवाम को पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, और ये पाकिस्तान इस तरह चल रहा है, और इसी तरह ही ये बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तान का, कि सबकी किसी न किसी की लीक वीडियो है। और मैं कहता हूँ कि यार अगर आपकी लीक वीडियो भी है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी वॉन्ट यू टू वर्क। तो अगर किसी की भी है, वी डोंट वरी अबाउट दैट, और जस्ट यू नो वर्क फॉर पाकिस्तान।